जंगल के कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिन्हें जब तक देखना तब तक उन बातों पर यकीन न हो, क्योंकि कभी किसी राइनो को आपने कार को कई बार पलटाते हुए देखा है, या फिर क्या मुर्गी अपने बच्चों को चील से बचा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही जबरदस्त मोमेंट इन जानवरों के देखने हैं तो बस आप वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले इस क्लिप को देखिए जिसमें राइनो अपने परिवार को बचाने के लिए इस सफारी व्हीकल के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कार को देखते ही राइनो हमला करते क्यों है? तो वो इसलिए क्योंकि आपको भी पता है राइनो की हॉर्न कितने कीमती होते हैं, और शिकारी इस हॉर्न के चक्कर में अक्सर राइनो को मार देते हैं, जिसकी वजह से राइनो भी अब इंसानों से डरने लगे हैं, और इसी डर की वजह से राइनो हमला भी करते हैं। अब जैसे कि साउथ अफ्रीका के इन दो राइनो को देखो, जिन्होंने 2 किलोमीटर तक इस सफारी का पीछा किया, और पीछा करने की वजह सिर्फ और सिर्फ डर थी। और यहाँ तो ये पिकअप ट्रक और राइनो का आमना सामना हो जाता है, और आप देख सकते हैं कि राइनो पिकअप ट्रक के बिल्कुल बराबर है। और यहाँ तो अगर सच में इस कार में जान होती तो आज का दिन इस कार को जिंदगी भर याद रहता। और ये भी अच्छा हुआ कि कार का ड्राइवर भी सही समय पर निकलकर भाग गया था, नहीं उसे भी ये घटना हमेशा याद रहती। दोस्तों, जंगली भैंसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन राइनो के आगे भैंसों की कहां चल पाएगी? क्योंकि आप देख सकते हैं जब इतना मस्क्यूलर भैंसा इस राइनो के सामने फीका पड़ रहा है और बहुत बुरी तरह से मार खा रहा है, तो भैंसों की तो बात छोड़ ही दो, लेकिन फिर भी भैंसों की लड़ाई अक्सर राइनो से होती ही रहती है। लेकिन यकीन मानिए, हर बार भैंस बहुत बुरी तरह से राइनो से मार खाती है, और यहाँ तो एक ही झटके में कई बार राइनो इस भैंस को उठाकर पटक देती है। चलो, ये तो भैंस थी जो राइनो से साइज में छोटी होती है, लेकिन क्या होता है जब राइनो राइनो से भिड़ जाता है? तो फिर जिस राइनो के पास ज्यादा ताकत होती है उसी का पलड़ा भारी होता है। जैसे कि इस क्लिप में भी आप देख सकते हैं, मार खाने के बाद राइनो भागता है, लेकिन ताकतवर राइनो इसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेता। यहाँ भी जमीन को लेकर लड़ाई चल रही है, लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं कि कौन सा राइनो ज्यादा भारी पड़ रहा है, लेकिन कमजोर राइनो फिर भी हार मानने का नाम नहीं लेता। इसका साफ मतलब है कि कमजोर राइनो बहुत ज्यादा पिटने वाला है। लेकिन यहाँ पर कहानी बिल्कुल अलग है, क्योंकि राइनो को करना था संभोग, और ये फीमेल राइनो अपने अपने बच्चों को साथ में लेकर चली आती है, जिस वजह से राइनो को गुस्सा आ जाता है, और अब राइनो के गुस्से का प्रकोप बेचारी राइनो झेल रही है। और जब आखिर में राइनो का गुस्सा शांत होता है तो बेचारा राइनो दूर खड़ा हो जाता है और मन में सोचता है अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर भी दोस्तों, बस जमीन के चक्कर में राइनो दूसरे राइनो के पिछवाड़े में इतना सींग मारता है कि राइनो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, अक्सर राइनो अपनी जगह को लेकर ऐसी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं जिसका अंजाम आखिरी में बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। आपको तो पता ही है कि ऊंट बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, और यहाँ जब इस घोड़े को ऊंट बहुत बुरी मार मार रहा होता है तो आप ऊंट के मुंह से ये अजीब सा पदार्थ निकलते हुए भी देख सकते हैं, और इन सब चीजों को घोड़ा ऊंट के नीचे दबे हुए देखता रहता है और उसके कुछ समझ में ही नहीं आता। पर ये घोड़ा पहले तो खुद ही इस ऊंट के इतना करीब आता है, और फिर जब इस घोड़े की गर्दन को काटने की कोशिश करता है तो फिर घोड़ा बचने की पूरी कोशिश करता है। और यकीन मानो, घोड़े की किस्मत बहुत अच्छी थी, वरना अगर ऊंट एक बार इस घोड़े को पकड़ लेता तो इस घोड़े का काम तमाम हो जाता। यहाँ पर भी ये काला घोड़ा इस ऊंट के ऊपर उचक कर अपनी टांग ऊंट के गर्दन पर रख देता है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि घोड़े को समझ में आ जाता है कि ऊंट का मूड खराब हो रहा है, और घोड़ा जल्दी से ऊंट को छोड़कर पीछे हट जाता है। अब यहाँ पर बस इस घोड़े के पिछवाड़े में बहुत ज्यादा दर्द होने ही वाला था, लेकिन घोड़ा उस दर्द को पहले ही महसूस कर लेता है और तुरंत अपनी लात चलाकर अपने पिछवाड़े को बचाने लगता है। लेकिन फिर भी काफी देर तक ऊंट इस घोड़े के पीछे पड़ा था, लेकिन घोड़ा मौका पाते ही वहां से भाग जाता है। जंगल में सूखा पड़ जाने के समय में सिर्फ शिकार ढूंढना या पानी ढूंढना ही मुश्किल नहीं होता, बल्कि पानी ढूंढकर उसे पीना भी जानवरों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हिप्पो कब्जा करने में बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं। और यहाँ भी जब ये शेर पानी पीने तालाब के पास आता है तो हिप्पो से ये बर्दाश्त नहीं होता और तुरंत शेर पर हमला कर देता है। अब आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हो कि ये छोटा सा गड्ढा जिसमें पानी भरा था उसके पास भी हिप्पो इन शेरों को बैठने नहीं देता, और आप हिप्पो की बॉडी पर शेर से लड़ने का निशान साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हिप्पो आखिरकार इन सारे शेरों को वहां से भगा ही देता है। यहाँ तो पानी भी नहीं था, लेकिन फिर भी इस हिप्पो से देखा नहीं गया कि ये शेर इतने आराम से क्यों बैठा है, और शेर भी समझ रहा था इस वजह से हिप्पो के हमला करने से पहले ही शेर वहां से भाग जाता है।
अब ये राइनो काफी तेज दौड़कर जाता है और एक हाथी पर हमला कर देता है। अब पता नहीं इस राइनो ने ऐसा गुस्से में आकर किया या फिर बस ये राइनो इस हाथी के साथ खेल रहा था। अब जब इस राइनो को इंडिया के किसी नेशनल पार्क में छोड़ा गया तो उसे लगा कि उसकी जान खतरे में है और अपनी जान बचाने के लिए इस राइनो ने कई बार हमला किया, यहां तक कि हाथी पर भी हमला कर दिया। यहां पर तो ये दोनों हाथी और एक राइनो एक दूसरे का रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं और जो पीछे हटेगा उसकी बेइज्जती, इसलिए न राइनो ही पीछे हटने का नाम लेता है और न हाथी। जबकि हाथी राइनो को डराने की भी कोशिश करता है लेकिन हाथी की दाल नहीं गलती। दोस्तों यहां पर राइनो और हाथी की लड़ाई हो जाती है। खैर हाथी राइनो पर भारी पड़ता है लेकिन फिर भी राइनो बच्चे के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, इस वजह से डटकर इस हाथी का राइनो सामना करता है। हाथी इस राइनो को पेड़ भी उठाकर मारने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी राइनो वहां से टस से मस नहीं होता। दोस्तों कंगाल और डोगो नाम के कुत्ते की ये प्रजाति अपने आप में बहुत ही खतरनाक होती है और ये दोनों कुत्ते की ब्रीड एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। इसी वजह से अगर यहाँ बीच में कुत्तों का मालिक ना आता तो आज तो एक कुत्ते का मरना तय था। और यहाँ भी जैसे इस डोगो का ओनर इसे कंगाल कुत्ते के केज के पास लेकर, वैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते ही भौंकना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपने भैंसों को राइनो से लड़ते हुए तो देख लिया लेकिन हिप्पो से इन भैंसों का सामना होता है तब क्या होता है। जैसे कि इस हिप्पो को देखो जो बड़ा सा मुंह खोलकर इस भैंस का पूरा मुंह दबाने में लगा हुआ है और एक बार नहीं हमेशा जब भी भैंस इन हिप्पो के सामने आती है हमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। अब इस क्लिप में हिप्पो तो जैसे किसी फुटबॉल की तरह ही लग रहा है लेकिन फिर भी हिप्पो अपने एरिया में इन भैंसों का आना पसंद नहीं करता और फिर जब हिप्पो को गुस्सा आ जाता है तो फिर भैंसों को वहां से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझ में आती है। अब यहाँ पर ये अकेला शेर इस हाथी पर पीछे से हमला करता है और कहाँ 14 शेर मिलकर एक हाथी को ही नहीं गिरा पा रहे थे और इस शेर ने इस काम को अकेले ही कर दिया। इसका मतलब साफ है कि वो सारे शेर शिकार करने में अनाड़ी थे और इस शेर को सालों का तजुर्बा था। दोस्तों वैसे तो शेर हाथी के बच्चे पर तब तक हमला नहीं करते जब तक शेर बहुत ज्यादा भूखा ना हो, क्योंकि हाथी पर हमला करने से शेर को भी बहुत ज्यादा जान का खतरा रहता है। अब जैसे कि यहाँ पर इस हाथी को इन शेरों ने बड़ी मुश्किल से जमीन में गिरा दिया और शेर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाथी दोबारा से खड़ा न हो पाए, क्योंकि अगर हाथी खड़ा हो गया तो फिर शेर दोबारा इसे जमीन में नहीं गिरा पाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हाथी की गर्दन बहुत ज्यादा मोटी होती है जिस वजह से शेरों का गर्दन पकड़ पाना नामुमकिन होता है। इसी वजह से शेर हाथी की सॉफ्ट जगह पर हमला करते हैं और देखते ही देखते शेर का पूरा परिवार मिलकर इस हाथी को नोचने लगता है और अब हमें तो नहीं लगता कि ये हाथी बच पाएगा। दोस्तों इस भैंस को देखो जिसे ये चार शेर मिलकर गिराने में लगे हुए हैं लेकिन लगता नहीं कि इस भैंस का आज मरने का मूड है, क्योंकि भैंस के एक ही वार में शेर डर के मारे पीछे हट जाते हैं और दोबारा शेरों की हमला करने की हिम्मत नहीं होती। अब जब वहां 5 शेर मिलकर दाल नहीं गला पाए तो फिर 12 शेर मिलकर इस भैंस को मार गिराने की कोशिश करते हैं और आखिरकार शेर को खाना मिल ही जाता है। यहाँ ये शेर कुछ नहीं तो भैंस के पिछवाड़े पर चमगादड़ की तरह लपटकर उसका खून चूस रहा है और भैंस बेचारी बहुत कोशिश करती है कि शेर उसे छोड़ दे लेकिन शेर छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन फिर जब शेर को लगने लगता है कि कहीं बात बिगड़ न जाए तो कहीं उसका मुंह न टूट जाए, इस वजह से शेर इस भैंस को छोड़ ही देता है। और आपको इस शेर का दोस्त भी दूर खड़ा दिख रहा होगा जो कि पहले ही इस भैंस के हाथों बुरी तरह से पिट चुका है। अब यहाँ पर ये दोनों भैंसे जान बचाकर इस शेर से भागती तो है लेकिन एक भैंस को लगता है रुक कर शेर का सामना करना ज्यादा बेहतर है और ये इस भैंस की आखिरी गलती थी, क्योंकि शेर भैंस पर कूदते हैं, भैंस रोड पर फिसल जाती है और अब भला इस भैंस को शेर कैसे उठने दे सकते हैं। दोस्तों अब इस शेर को देखो क्योंकि ज़ेब्रा को शेर उल्टा लेटा कर खाना भी शुरू कर देता है और बेचारा ज़ेब्रा भाग भी तो नहीं सकता क्योंकि शेर ने ज़ेब्रा की दोनों टांगे जो तोड़ दी है। यहाँ पर ये सारे शेर मिलकर इस ज़ेब्रा को मार गिराने में लगे हुए हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।